दादाजी ने सिखाया लड़की की असली कीमत क्या है। हेलो दादाजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ और प्रैक्टिकल फाइल लेके आनी है मेरे को। वो तो ठीक है बेटा, कॉलेज जा रहे हो आप प्रैक्टिकल फाइल लेने, पर ये क्या पहना आपने? बेटा घर की संस्कृति, घर की परंपरा बेटियों के हाथ में होती है, और आप ये कपड़े पहन के बाहर जा रही हैं। दादाजी एक बात बताओ, लड़के कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? दादाजी घर में लड़कों को छूट है, वो कुछ भी खाए, कुछ भी पहने, कहीं भी जाए, और ये छूट लड़कियों को क्यों नहीं है? इस पुरुष प्रधान देश में लड़के कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये लड़कों पे पाबंदी कोई नहीं है, और लड़कियों पे ये पाबंदी क्यों है दादाजी? बहुत बड़ी हो गई। एक बात बताओ, लोहे को हम कहाँ रखते हैं? लोहे को तो कहीं भी रख दो, ना भीगने का डर, ना जलने का डर, ना हवा में उड़ने का डर। बहुत अच्छे, आपने बड़ा अच्छे से बताया कि लोहा कहीं भी पड़ा रहे, ना बारिश ना धूप, कोई असर नहीं होता। सोने को कहाँ रखते हैं? सोना? हाँ। सोना तो बहुत कीमती धातु है दादाजी। दादाजी 16 सिंगार सोने से कंप्लीट होते हैं, उसको तो हम डिब्बी में और पर्स में संभाल के लोक में रखते हैं। बस यही समझाना था बेटा, लड़के जो है वो लोहा है, कहीं भी पड़े रहें, कभी भी आए, कभी भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेटी जो है वो सोना है, 22 कैरेट का खरा सोना। सामाजिक संस्कृति की जिम्मेदारी सारी बेटियों की है, उसे संभाल के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटियों ने इस देश की, समाज की सभ्यता को संभाला है, संस्कृति को संभाला है, हमारे कल्चर को संभाला है, इसलिए आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है। आप खरा सोना है। मुझे पता चल गया दादाजी, सोने की क्या कीमत होती है। खुश रहो। देखा हमारी बेटियों के पास कितनी जिम्मेदारियां, ये सबको जागरूक करने वाली बात है, एक एक को शेयर करें, एक एक फोन में, एक एक घर में पहुंचना चाहिए। जय हिंद।